हेलो फ्रेंड, क्या हाल है? गुड इवनिंग, आप सब कैसे हो? तो गाइज, आज मैं फिर मॉल के बाहर का नाइट व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अभी तो यहाँ ऑफिस में हूँ, अभी 1 घंटे के बाद निकलूँगा मैं। हाँ, तो थोड़ा सा आया था बाहर टी पीने, तो मैंने कहा चलो एक ब्लॉग बना देते हैं। और आप लोग भी कह रहे थे कि थोड़ा सा नाइट का व्यू वहाँ का, मतलब वीडियो आप डाल के दिखाओ, तो फिर मैंने वही सोचा कि दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अभी इस समय गर्मी में तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो बाहर पार्क है ना, यहीं पे आके हम लोग बैठते हैं शाम को, चाय पीना हो लेके अपना कुछ भी। ये थोड़ी सी पार्किंग एरिया है यहाँ का। मॉल तो बता रहा हूँ, मॉल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अंदर से मैंने दिखाया था मॉल। ये हम लोगों का 1 किलोमीटर की रेंज में पूरा फैला हुआ है, पार्किंग से ले के जो मॉल के जितने भी, मतलब लास्ट एग्ज़िट तक, ये पूरा 1 किलोमीटर के रेंज में ये मॉल है। वो का बहुत ही बड़ा मॉल बना है लखनऊ का। ये देखिए, सामने मैं जा रहा हूँ, ये सामने है आपका, ये माउंटेन व्यू भी दिखाता हूँ। ये देखिए, गेट नंबर 1 ये भी है, यहाँ से भी एंट्री गेट है। ये मतलब इतना बड़ा ये मॉल है कि यहाँ पे करीब 10 से 12 एंट्री गेट हैं, और जिस पे एंट्री गेट है ना, उसके अलावा एग्ज़िट गेट अलग है उसका। और ये देखिए माउंटेन का, बहुत ही अच्छा, रात में इस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप लोग, ये देख लीजिए, अभी 10 से 15 मिनट का टाइम मिला है, तो उसी में मैं बना ले रहा हूँ। अभी यहाँ से निकलूँगा, 11 o'clock मैं निकलता हूँ, मेरी 2 बजे की शिफ्ट है। और जिस दिन छुट्टी थी, तो फिर मैं किसी दिन आप लोगों को लखनऊ का एक है यहाँ पर, क्या कहते हैं, लोहिया पार्क, वो भी बहुत अच्छा है, किसी दिन मैं वहाँ जाके वहाँ का वीडियो आप लोगों को बना के दिखाऊँगा। लेकिन उसके अच्छा, सबसे अच्छा तो मेरे मॉल का ही वीडियो रहता। मैं लखनऊ में कहीं भी गया हूँ, लेकिन जो ब्लॉग बनाने का सबसे अच्छा मुझे लगा ना, वो लखनऊ के इस मॉल का ही है। और जो भी मॉल है ना, इससे छोटे हैं, और वो तो मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ना। मुझे वहाँ मैं जाता हूँ ना, लेकिन मुझे ये अपना जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ ना, ये मॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं चलता रहूँगा तो 10 से 15 मिनट तो लग जाएगा खाली उस गेट तक जाने में। देखिए इतना खूबसूरत यहाँ से व्यू लग रहा है। सामने से इसकी एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ये एक देखिए, एक गेट और आ गया, एक ये गेट ये है, ये साउथ गेट इसको बोलते हैं, साउथ है, वेस्ट है, ऐसे मतलब गेट के सब नाम हैं। ये देखिए लास्ट अभी बहुत दूर है, अगर मैं जाऊँगा ना तो जो सामने बिल्डिंग दिख रही वहाँ तक जाना पड़ेगा, तो टाइम उतना मुझे मिला नहीं है रात का। ये देखिए छोटा सा पार्किंग, मतलब ये पार्क बनाया गया यहाँ पर, फ्लावर लगे हैं यहाँ, फ्लावर के पेड़ भी लगे हैं उधर उस साइड, छोटे छोटे खजूर के पेड़ भी लगे हैं। तो गाइस ठीक है, बस आप लोगों से यही है कि अभी प्लीज़ आप लोग जो भी वीडियो है उस पर आप लोग आइए और अच्छे से कमेंट करिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। आई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। और आगे ऐसे ही लखनऊ की बहुत सारी चीज़ें दिखाना बाकी है, और वो दिखा भी सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर आपके पास टाइम होना चाहिए, और वहाँ जाने का हर चीज़ वो रहना चाहिए। दिन में इस समय ब्लॉग आप नहीं बना सकते, क्योंकि दिन में इतनी धूप रहती है ना, कहीं भी जाओगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो नाइट का व्यू का दिखा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसे लगी है। ये देखिए, अब मैं वापस जा रहा हूँ, वीडियो को क्लोज करूँगा। अभी अंदर तो इस समय बहुत खूबसूरत नज़ारा है, अंदर का भी किसी दिन वीडियो में दिखाऊँगा मैं, ठीक है गाइस, देख लीजिए आप लोग।